तो देवघर एम्स की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दिसंबर माह में देवघर एम्स के लिए स्वीकृत 100 MBBS सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि वर्तमान वर्ष में केवल 50 सीटों के लिए ही नामांकन किया गया था, क्योंकि अभी तक देवघर एम्स पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। इसलिए अभी देवघर एम्स के MBBS स्टूडेंट की पढ़ाई देवघर एम्स में ना होकर PTI और रैन बसेरा में किया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जिससे कि देवघर वासियों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। जी हां दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देवघर एम्स के OPD भवन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं MBBS की पढ़ाई के लिए देवघर एम्स में नए भवनों का काम लगभग 65% पूरा भी हो चुका है और इसे लगभग मार्च अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद देवीपुर में स्थित परिसर में ही MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो दूसरे सबसे बड़ी खुशखबरी है वह यह है कि एम्स के निर्देशक डॉक्टर सौरभ वार्षिनी ने बताया कि देवघर एम्स में 60 सीटें BSc नर्सिंग के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि जनवरी माह में नर्सिंग छात्रों का भी नामांकन शुरू हो जाएगा। यानी देवघर एम्स में 60 छात्रों का नामांकन नर्सिंग के लिए भी हो जाएगा और इस BSc नर्सिंग के छात्रों को भी रहने और क्लासरूम की सुविधाएं देवघर एम्स परिसर में ही है। दोस्तों, नर्सिंग छात्रों के लिए अलग हॉस्टल और क्लासरूम की बिल्डिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है और हो सकता है कि मार्च तक में इस बिल्डिंग को भी तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद सभी छात्र देवघर एम्स परिसर में सुचारू रूप से अपनी क्लास और हॉस्टल दोनों की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में MBBS के छात्रों की पढ़ाई PTI के साथ साथ देवीपुर में एम्स परिसर में नव निर्मित रैन बसेरा में चल रही है और प्रत्येक दिन छात्र PTI कैंपस से देवीपुर के रैन बसेरा में क्लास के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें एम्स के वाहन से पहुंचाया जाता है। अगर मार्च तक में हॉस्टल और क्लासरूम का निर्माण हो जाता है तो छात्रों को इस परेशानी से निजात मिल जाएगी और वह एम्स परिसर में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। दोस्तों, वैसे छात्र जो नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, वह अब वे जनवरी माह से देवघर एम्स में अपना नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। We'll be right back.